Good morning, dear kids, and welcome to your today's computer class. Kids, today is your first class after your winter's break. Kids, as you all know, that we have already learned about our chapter number five, that is the internet web browser. So, in our today's class, we have only do a quick revision of our chapter number 5 so let's start this is chapter chapter number 5 the internet browser this is related to the internet in this chapter we have learned that what is internet we have learned that in the internet is a large network where computer around the world are connected with the help of special devices like satellite वायर्स मॉडम फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विद ईच अदर बच्चों हम लोग अपनी वीडियो में जो हमने पहले बनाई थी उसमें पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है क्या होता है इंटरनेट इंटरनेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि एक दूसरे से जुड़ा है कैसे जुड़ा है अलग अलग डिवाइसेस की हेल्प से सैटेलाइट की हेल्प से मॉडर्म की हेल्प से किस लिए एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेट इंटरनेट क्या है इंटरनेट एक वर्ल्ड लार्ज नेटवर्क है जो की अलग 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 अलग, -अलग मॉड्यूम के थ्रू एक दूसरे से जुड़ा है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये सब किस चीज की पिक्चर्स है ये सब इसके जो अलग अलग डिवाइजेस है उनकी पिक्चर्स है कॉमन पर्पस क्या होता है इंटरनेट का न्यूज एंड इंफॉर्मेशन सबसे पहला जो यूज है इंटरनेट का वो क्या है न्यूज और इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करने के लिए आर्ट और एंटरटेनमेंट में भी इंटरनेट का बहुत यूज होता है ऑनलाइन शॉपिंग मेल लेटर्स चैटिंग हेल्थ एंड फिटनेस टूरिज्म एंड ट्रेवल्स इन सब में जो इंटरनेट है उसका बहुत बड़ा रोल है बहुत मेन रोल है विदाउट इंटरनेट आज हम कुछ भी नहीं है इंटरनेट के अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में से आज इंटरनेट निकाल दिया जाए नेट निकाल दिया जाए तो आपकी आधी लाइफ जो है वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है सबसे पहले ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हम लोगों की स्टडी कैसे चल रही है हम लोगों की स्टडी थ्रू व्हाट्सएप चल रही है व्हाट्सएप कैसे चल रहा है व्हाट्सएप विद द हेल्प ऑफ नेट चल रहा है तो अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप लोगों की स्टडी हो पाती नहीं हो पाती तो सबसे बड़ा मेन रोल क्या हुआ आज का स्टडी के लिए और ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग हम लोगों के लिए किस लिए इम्पोर्टेंट uh, है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है जैसे कि अभी कर्फ्यू लगा था अभी भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे कि आप बाहर नहीं जा सकते सेव नहीं है आप लोगों के लिए बाहर जाना तो आपकी जो इंसेंशियल थिंग है लाइक like, क्लोथ uh, है फूड है ये सब आपको ऑनलाइन ही आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हेल्थ एंड फिटनेस में भी जो इंटरनेट का है बहुत बड़ा रोल रहा है कैसे अभी आपको कोई डिजीज हो जाता है कोई प्रॉब्लम हो रही है आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे अपने सिम्टम्स जो भी आपको है उसके बारे में आपको बहुत बड़ी सी लिस्ट दिख जाएगी कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें आप क्या होम रेमिडीज ले सकते हैं किस चीज से आपको प्रोटेक्ट होना है ये सब आपको इंटरनेट पे इजिली पता चल जाता है नाउ इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स इंटरनेट रिलेटेड टर्म क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं हमने पढ़ा था डब्ल्यू 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 ये क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है ये वेबसाइट का कलेक्शन है नव वेबसाइट क्या होती है यह हम लोग पढ़ चुके हैं वेबसाइट होती है वेबसाइट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है वो वेबसाइट होती है वेबसाइट जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब क्या है ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है इनको क्या बोलते हैं वेबसाइट बोलते हैं वेब पेजेस वेब पेजेस क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक पेज डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इंटरनेट कॉल्ड वेब पेजेस मतलब वेब पेज क्या होते हैं जो इंटरनेट पर आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जैसे कि आपने कुछ सर्च किया उसमें आपको कितने सारे छोटे 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 पेजेस खुलकर आते हैं तो वो क्या होते हैं वो वेब पेजेस होते हैं होम पेज जो आप सर्च करते हैं सबसे पहले जो पेज खुल के आता है उसको क्या बोलते हैं उसको होम पेज बोलते हैं नाउ हाइपरलिंक्स हाइपरलिंक्स क्या होते हैं जैसे मैं अभी आपको वीडियो सेंड करती हूँ वीडियो के नीचे जो हाइपरलिंक होता है डब्लू इस टाइप से कुछ हाइपरलिंक बन के आता है ब्लू कलर का वो क्या होता है वो आपका हाइपरलिंक कहलाया जाता है यू आर एल क्या होता है यू आर एल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या है अ वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड थ्रू इट्स यू आर एल क्या होता है कई बार आप लोगों के पास अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस आते हैं कुछ मेल्स आते हैं जो कि आपको नहीं पता होता किसके थ्रू आए हैं उससे कुछ जैसे कुछ क्राइम हो जाता है कहीं पर कहा जैसे होता है आप लोगों ने सुना है इंटरनेट फ्रॉड होते हैं काफी सारे तो जो इंटरनेट क्राइम ब्रांच वाले होते हैं वो किसके थ्रू पता लगाते हैं कि ये मेल कहाँ से सेंड किया गया है वो पता लगाते हैं आपके यू आर एल के थ्रू ये हर एक सिटी में हर किसी का अलग होता है हर एक होम में अलग अलग यू आर एल होता है अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो मेन इंपॉर्टेंट है जो बहुत जाने माने सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है बी एस एन एल एम टी एन एल टाटा इंडिकॉम ये तीन जो है आपके ये बहुत ज्यादा पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च इंजन सर्च इंजन क्या होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं इंटरनेट में आप क्या करते हैं गूगल पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं ये क्या है गूगल गूगल सर्च इंजन है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है गूगल ये बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल और इसके एग्जाम्पल्स हैं बिंग सर्च याहू ये सब क्या है ये सब एग्जाम्पल है सर्च इंजन के सर्च इंजन जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुकी हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन अब क्या रिक्वायरमेंट होती है क्या चाहिए होता है हमें इंटरनेट स्टार्ट करने के लिए तो क्या होता है वी रिक्वायर द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द इंटरनेट आपको कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस uh, की नीड होती है अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चालू करने के लिए तो कौन कौन से सबसे पहले मॉडर्म मॉडर्म क्या होता है कुछ इस टाइप से ये आपको शो होता है देखने में ये कुछ इस टाइप से होता है मॉडर्म क्या होता है ये अ मॉडर्म इज बेसिक हार्डवेयर नीडेड टू गेन एक्सेस टू द इंटरनेट मॉडर्म क्या है मॉडर्म एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि विदाउट वायर्स के यूज होती है ये बिना वायर के आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है एंड इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर कंपनी और ऑर्गेनाइजर प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन टू योर कंप्यूटर द आई पी एस विल ऑफर यू डिफरेंट इंटरनेट प्लान एंड चार्जेस फी फॉर द सेम दे सेंड देअर टेक्नीशियंस टू योर प्लेस टू सेटअप द इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है जैसे की आपके फोन में भी क्या होता है पहले आपको रिचार्ज कराना पड़ता है इंटरनेट के लिए तो ये क्या है ये आप लोगों को सर्विस देते हैं नेट कनेक्शन की और आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं जैसे कि आपका डेटा पैक होता है बस वही है आपका इंटरनेट प्रोवाइड कनेक्शन ये कुछ कंपनीज ने अपने अलग अलग सिम्स कर रखी हैं जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं जैसे आप किसी के पास वोडाफोन है किसी के पास एयरटेल है किसी के पास आइडिया है ये सब क्या है ये कंपनीज है जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं इनके सर्विस प्रोवाइडर कौन हुए ये जो आपके एरिया में टावर लगाते हैं ये इनके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि आपको अच्छे सा अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं अब डाटा ट्रांसफर मीडिया कुछ ऐसी मीडिया होती है जिससे आप एक दूसरे से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे कि वाईफाई कई बार हम लोगों का नेट नहीं चलता तो हम क्या करते हैं दूसरे से हॉटस्पॉट लेकर वाईफाई से अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं इसे ही ट्रांसफर डाटा ट्रांसफर मीडिया कहा जाता है दिस इज मीडियम दिस इज मीडियम और चैनल थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनादर है ना जैसे मैंने बताया आपके फोन में नेट नहीं चलता तो क्या होता है हम एक दूसरे से शेयर करते हैं वायर्ड वायर्ड क्या होता है द मीडियम द मीडियम ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेस टू डेस्टिनेशन थ्रू अटैच फिजिकल केबल फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन लाइन टेलीफोन लाइन के थ्रू भी जो होता है इंटरनेट एक से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा सकता है वायरलेस द मीडियम ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ओवर द एटमोसफेयर विदाउट यूजिंग फिजिकल केबल्स कुछ ऐसे वायरलेस डिवाइस होते हैं जिससे कि आप विदाउट केबल्स यानी की बिना तारों के जो आपका इंटरनेट है वो शेयर कर सकते हो एक दूसरे से फॉर एग्जाम्पल वेन यू एक्सेस द नेट ऑन योर कंप्यूटर बाय यूजिंग अ डाटा कार्ड और वेन यू यूज द मोबाइल फोन्स टू एक्सेस द इंटरनेट यू यूज अ वायरलेस ट्रांजेक्शन मीडिया यहाँ पर बच्चों वाईफाई की बात की जा रही है जो कि आप एक दूसरे से कनेक्ट करके अपने फोन में नेट स्टार्ट कर लेते हो नाउ वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर क्या होते हैं इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज टू एक्सिस द इंटरनेट एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ओवर इट ये क्या होते है ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर करने का एक सॉफ्टवेयर है अब वेब ब्राउजर अलाउ यू अलाउज यू टू यूज द वेराइटी ऑफ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट रिमाइंडर यू कैन नॉट एक्सिस इंटरनेट विदाउट अ वेब ब्राउजर सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है नेट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके लिए आपको वेब ब्राउजर की नीड होती है वेब ब्राउजर अगर आपके फोन में वेब ब्राउजर नहीं चल रहा होगा तो आपका नेट कनेक्शन होने के बाद भी आपके फोन में नेट नहीं चल सकता आप नेट को यूज ही नहीं कर सकते मान लीजिए पैक है आपके सिम में बट आपके फोन में वेब ब्राउजर नहीं है तो यू नॉट यूज इंटरनेट कौन से मतलब क्या हुआ वेब ब्राउजर जो कि कॉमनली uh, कौन कौन से होते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोजर माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल क्रोम ओपेरा मोरजेला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी एप्पल सफारी जो होता है वो केवल और केवल एप्पल के फोन में होता है बाकी ये सारे आपके एंड्रॉइड फोन में होते हैं जिसके थ्रू आप नेट यूज करते हैं आपको कुछ सर्च करना होता है कहाँ पर जाते हैं गूगल क्रोम में कुछ ओपरा मेरी में करते हैं कुछ फायरफॉक्स में करते हैं तो ये सारे क्या है ये सारे वेब ब्राउजर है वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है ये सारे के सारे जब तक आपके फोन में इनका सेटअप नहीं होगा यू कैन नॉट यूज इंटरनेट ये सारे के सारे लोबोज है किसके मिनी एप्पल सफारी माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोजर गूगल क्रोम ये सब क्या है ये सारे इनके सिंबल्स हैं आपके फोन में ये सारे के सारे सिंबल शो होते हैं बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था कि आपको किन्हीं भी टू वेब ब्राउज़र्स के पिक्चर आपकी कॉपी में ड्रॉ करने थे आई होप आप सब लोगों ने वो करके रखे हुए होंगे सो किड्स योर चैप्टर इज फिनिश हियर सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज